वेलकम दोस्तों हमारे चैनल में। आज हम बताने जा रहे हैं आपको कि एक हाथ से पुशअप कैसे लगाना है, वो भी आप घर पे या छत पे या आंगन में कहीं भी जहाँ भी आपको सुविधा मिले फील्ड में आप लगा सकते हैं। कैसे करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में तुरंत दिखा रहा हूँ। तो कोई भी एक्सरसाइज करने से पहले वार्म अप करना ज़रूरी होता है, जो कि मैंने अपना वार्म अप कर लिया है, आप भी वार्म अप कर लें। इसके बाद आपको पहले दोनों हाथों से कुछ इस तरह से पुशअप लगाना है। इसे देखिए जैसे मैं लगा रहा हूँ अभी। ऐसे लगाने के बाद आप देखिए एक पैर को थोड़ा सा अपने मतलब बैलेंस बनाने के लिए शरीर को एक पैर को ऐसे कर देना है और कोशिश करना है ऐसे दो उंगली में करने का, ठीक है। मतलब एक हाथ में आपका ज़्यादा, जैसे देखिए मेरा राइट हैंड में जो है ज़्यादा फोर्स पड़ रहा है, तो इस तरह से जब धीरे धीरे आपका बैलेंस बन जाएगा तो फिर थोड़ा सा इसको आगे कर देना है इस पैर को, इससे बैलेंस आपका बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके आप एक दो दिन प्रैक्टिस करेंगे, फिर आप धीरे धीरे पैर को वापस लाएंगे, पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगे, पैर से बैलेंस बना पाएंगे। चालू है? हाँ हाँ। तो फिर आपको ऐसे देखिए आप मुट्ठी लगा सकते हैं इसमें, है ना, मुट्ठी से भी कर सकते हैं, बिना मुट्ठी के भी आप कर सकते हैं। देखिए मेरा पुशअप्स हो जा रहा है अब एक हाथ में ही। इसी प्रकार से जब इस हाथ में करना है, बाएं हाथ से तरफ से करना है, इस पर कोई से थोड़ा बैलेंस बना के कुछ दिन ऐसे प्रैक्टिस कर लेना है, और जब प्रैक्टिस होगा तो फिर ऐसे ही दोनों पैर को जमा करके आप ऐसे पुशअप लगा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये जो पुशअप है इसको बैलेंस बना के करना होगा, फिर धीरे धीरे आपका जो भी है सब कंटिन्यू हो जाएगा।